उस सदस्य के बीच में और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। सिपाही भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा, ये बोल रहे हैं सिपाही भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। एक घंटे से अधिक, एक अच्छा माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं। माननीय आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं, या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार सरकार होती है, और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता, या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जी यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा? पूरे एक घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन, और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी माननीय सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं, सवाल दूसरा नहीं। देखिए सिपाही भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा, ये बोल रहे हैं सिपाही भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है, नहीं सिपाही। देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए हमारी असहमति असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए,
और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बन रही है, बनी है, तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और यह सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और असहमति लोकतंत्र की ताकत है, या आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हैं हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे एक घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पर रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसीलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारे बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री, जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिये बहुत सारी चीजें, अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना नहीं, हमें जो स्वीकार करना होगा स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए, माहौल इससे खराब होता है, अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हरेक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर पार पार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है, और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो, और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा, फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि कार्रवाई को लिखवा लूंगा। धन्यवाद।